बताओ, दुनिया दुख से भरी है। एक दुख के बाद दूसरा दुख, बीच में जो अंतर रहता है उसी को लोग सुख मानते हैं। एक दुख आया तो पीड़ित हुए, वो दुख चला गया, अभी दूसरा दुख नहीं आया है इसलिए सुख मानते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दुख पर दुख, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। इसमें जवान लोग बैठे हैं, सब बूढ़े होंगे। जवान लोग अहंकार न करें, बूढ़ा होना है। बूढ़े लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बच्चों जवान हो जाओ, ये नहीं समझते जवान होने के बाद तब बूढ़े हो जाएंगे। सब बूढ़े, सब जवान बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, रोग लगेगा, प्रिवियोग होगा, प्रिसंयोग होगा, हवा की तरह समय भागा जा रहा है, कुछ किसी के साथ रहने वाला नहीं, सब कुछ सबका छूट जाना है। अयोध्या में श्री राम के दरबार में एक ब्राह्मण आया, नौकर ने जा करके बताया राजा राम को, वे समझ गए। उन्होंने कहा काल आ गया, नैतद स्थित निश्चित, निश्चित है ये सब, अब कुछ नहीं रहेगा। वो काल आया था, राम से मिला और कहा हमारी आपकी बैठक एकांत में होनी चाहिए, उसमें अगर कोई आ जाए तो वध्य आपके द्वारा मारा जाए। तो यही निर्णय कर लिया गया। लक्ष्मण दरवाजे पर बैठ गए, दुर्वासा आ गए, कहे राम से मिलना है, कहे बैठिए मिलेंगे, कहे नहीं अभी मिलना, कहे थोड़ा ठहरिए, कहे अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरी अयोध्या में उलट दूंगा, अभी मुझे मिलना। दुर्वासा का क्रोध तो आप जानते हैं, तो क्या करें बेचारे। लक्ष्मण ने सोचा मैं ही मारा जाऊं अच्छा है, अयोध्या भर परेशान ना हो, जाने दिया। उधर राम निकल रहे थे कक्ष से, बात तो हो गई थी लेकिन कानून के अंदर बात थी, तब तक किसी को मिलना नहीं था। तो राम बहुत उदास हो गए, कानून के अनुसार अब लक्ष्मण को मुझे मार देना चाहिए, ये कितना द्रावक है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप मुझे मार दीजिए, कोई हर्ज नहीं। तो मंत्रियों की सभा हुई, मंत्रियों ने कहा राज पुरुष को निकाल देना भी मृत्यु की तरह है, इसलिए लक्ष्मण को मारा ना जाए, निकाल दिया जाए। तो लक्ष्मण को राम ने कहा निकल जाओ। सोचिए जो लक्ष्मण छाया की तरह श्री राम के साथ थे, उस लक्ष्मण को राम कहते हैं निकल जाओ। तो निकले, उनको ग्लानि हुई, कहीं गए नहीं, सरयू में कूद गए। लक्ष्मण घाट आज भी बना है, वहीं कूदे थे कि नहीं कूदे थे, कथा में कितनी काल्पनिकता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बात है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर शर्त के अनुसार श्री राम को सरयू में प्रवेश करने की बात आई, बच्चों को राज्य दे दिया गया, बांट दिया गया जगह जगह। अन्य दोनों भाइयों ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, अयोध्या वासियों ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में तो इतनी अतिशयोक्ति है कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी अयोध्या में नहीं रहा, सब के सब
राम के साथ चल पड़े। रेशमी वस्त्र राम ने पहना, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सरयू में प्रवेश किए। उनके पीछे पूरी जनता प्रवेश की। गीता प्रेस वालों ने ऐसा चित्र भी बना दिया है, प्रवेश करते और सब सरयू में प्रविष्ट हो गए, अयोध्या सूनी हो गई। ये रामायण दुखांत, रामायण दुखांत, रामायण का अंत दुख है, कुछ नहीं बचा। महाभारत आप जानते हैं कि दुखांत है। कौरव पांडव का विनाश 18 दिन के युद्ध में हो गया था। पांडव 5 बचे थे और तो सब मरी गए थे, कौरव सब मर गए थे। और पांडव भी हिमालय में जाके गल गए। उसके 36 वर्ष के बाद यादव में घोर युद्ध हुआ, गृह युद्ध। गृह युद्ध ये भी था कौरव पांडव का, यादवों का भी गृह युद्ध हुआ और सब कट के मर गए। श्री कृष्ण घर छोड़ करके जंगल में चले गए, ध्यान में बैठ गए। ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता, पूरे परिवार का विनाश और वे ध्यान में बैठ गए, ये कृष्ण की विशेषता। उधर बलराम पहले ही समुद्र में प्रवेश कर गए थे। नौकर गया हस्तिनापुर, बताया, अर्जुन आए। समुद्र द्वारिका को काट रहा था, बहुत द्वारिका समुद्र में चला गया था। बूढ़े बच्चे स्त्रियों को रथ पर बैठा कर माल असबाब रख कर अर्जुन चले। जब अर्जुन वहां पहुंचते हैं द्वारिका में, तो वसुदेव भी जीवित थे, बहुत जर्जर थे। जब पहुंचे और अर्जुन ने अपना नाम लिया, मैं अर्जुन हूं, तो वसुदेव रो पड़े कि तुम देखो बड़ी बड़ाई करते थे कृष्ण के बच्चों की, और वह इतनी कुपत्री हुई आपस में कट के मर गए। स्त्री बच्चों बूढ़ों सबको लेकर के चले राजस्थान के जंगली क्षेत्र में। जंगलवासियों ने लूट लिया उनको, वही अर्जुन वही बाण, कुछ काम नहीं किया। स्त्रियां कितनी सोची कि ये जबरदस्ती ले जाएंगे, तो वैसे चली गई। जितनी युवती स्त्रियां थी सबको जंगलियों ने पकड़ लिया, धन लूट लिया। जो बचे खुचे बूढ़े बच्चे थे हस्तिनापुर के आसपास बसा दिए गए। ये दुर्दशा, कैसा दुखांत, रामायण दुखांत है, महाभारत दुखांत है। वेदव्यास और वाल्मीकि, इन दोनों ने दुख के अलावा कुछ छोड़ा नहीं है इन दोनों महाकाव्यों में। एक ने एक से पूछा, पुराण क्यों बने, महाकाव्य रामायण और महाभारत क्यों बने? उसने उत्तर दिया, यदुवंश, कुरुवंश, पुरुवंश, सूर्यवंश, ये सब के नाम हैं और कुछ शेष नहीं है। यह बताने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या रहेगा, आंखें खोलो। इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों का कुछ चिन्ह नहीं रहा। श्री राम जैसे महापुरुष के पीछे लवकुश का नाम लिया जाता है, लेकिन लवकुश की इतनी ही विशेषता है कि उन्होंने राम को परास्त कर दिया था, बस और आगे कुछ नहीं। कौरव पांडव के बाद, यादवों के बाद आप क्या पा रहे हैं? शून्य। पांडव के वंशजों में हस्तिनापुर के पास थे, गंगा में बाढ़ आई तो नौका में, इतना बाढ़ आई कि नगर नष्ट हो गया, तो नौका में बाल बच्चों सहित वे आ गए इलाहाबाद से 50 किलोमीटर
पश्चिम जमुना में, वहाँ उन्होंने नगर बसाया जिसको कौशाम्बी कहते हैं। बुद्ध काल में वो नगरी बहुत संपन्न थी, बड़ी नगरी थी। आज वहाँ केवल अवशेष है, भिट्ट है, उस पर खेती होती है। बौद्धों का कुछ अवशेष बचा है जो सरकार अपने संरक्षण में ले रखा है। कौशाम्बी वो पांडवों के बच्चों का अवशेष है। अयोध्या में आप चाहें मंदिर हैं, संत हैं, साधारण गृहस्थ हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, खाते जीते हैं, अपना अपने अपने ढंग से उपासना करते हैं। राम का कुछ अवशेष नहीं, ऐसा संसार है। एक बात ये भी बता दूं कि अयोध्या में हिंदू मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं। ऐसे भी मंदिर हैं जिसके ट्रस्टी मुसलमान भी हैं, और एक बुड्ढन मियाँ तो ऐसे हैं, अब रहें कि नहीं इस समय। वे तो जब मंदिर के पुजारी चले जाते थे तो स्वयं भय प्रगट कृपाला दीनदयाला गा के आरती करवा देते थे। हिंदू मुसलमानों का बड़ा बढ़िया समन्वय अयोध्या में है, ये राजनेताओं ने बहुत बिगाड़ा है। अपनी कुर्सी के लिए इन्होंने राम को भुनाया, बुद्ध को भी भुना रहे हैं। कबीर बचे हैं, बचे रहें तो अच्छा है। ये नेता जिसको पकड़ेंगे उसको बिगाड़ देंगे। नेता किसी को राम को माने, अपने उपासना के लिए माने, ठीक है। बुद्ध को माने, कबीर को माने, कृष्ण को माने, किसी को माने, उपासना के लिए माने, कोई बुरा नहीं। लेकिन जब ब्लैकमेल करते हैं उनको लेकर के, नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं इन महापुरुषों का नाम लेकर के, तो इन महापुरुषों के चेहरे पर कालिक पोतते हैं। आज से 20-30 वर्ष पूर्व जब कोई कहता जय श्री राम तब भक्ति भावना की गंध आती थी। आज अगर कोई कहता जय श्री राम तो मजाक लगता है, और ऐसा लगता है कहीं बलबा तो नहीं हो जाएगा। तो चेहरा इन लोगों ने बहुत खराब कर दिया, बहुत दुख दिया अयोध्या वालों को इन राजनेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए। इसलिए वहाँ के साधु अब 3-4 वर्षों से जागरूक हो गए, डांट दिए। ज्ञानदास जी महाराज हनुमानगढ़ी के महंत एक हैं, वे उसके अध्यक्ष हैं, और घर घर में जा कर के मुसलमानों से बात किए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपके रक्षक हैं। अब मुसलमानों को बुला के हनुमानगढ़ी पर नमाज उनसे पढ़वाया, और उनके सामने स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ किया, और दोनों गले मिले, और दोनों ने घोषणा की अब कोई राजनेता अगर यहाँ आया इसको लेकर के तो हम सहेंगे नहीं। तब से राजनेता लोग ठंडे हैं। तो अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का तकरार नहीं। जब वहाँ मंदिर टूटा है उसको हम मंदिर मानते, मस्जिद नहीं। जिसमें महाराज राम की मूर्ति स्थापित थी वो मंदिर था, उसको इन लोगों ने तोड़ा। उत्तर प्रदेश का कोई नहीं था, सब बाहर से ले गए थे। तो ये बड़ा दुरुपयोग है। बात यह आई कि सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है। तृष्णा तो सबको है, लेकिन राजनेताओं को भयंकर तृष्णा। भोग की जितनी लालसा होगी तृष्णा उतनी प्रचंड होगी, और पाप उतना प्रचंड होगा। राजनेताओं में आज भी ऐसे हैं कि जो बहुत योग्य हैं, त्यागी हैं, सदाचारी हैं। राजनीत में रहते हुए जैसा त्याग किया जा सकता है ऐसे हैं। अब विभिन्न पार्टियों में एक पार्टी की बात नहीं है, अच्छे लोग आज भी हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को नरक बनाने में लगे अपनी कुर्सी के लिए। गोरे अंग्रेज फूट डालो राज करो उनकी नीति थी, अब काले अंग्रेज हैं फूट डालो राज करो। गोरे अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने खदेड़ दिया, काले अंग्रेजों कहाँ खदेड़ेंगे, वे तो अस्तीन के सांप हैं, अपने अस्तीन में ही चिपके हुए सांप हैं, अपने ही भाई दादा चाचा काका सब हैं, कहाँ खदेड़ोगे। इनकी बुद्धि बदलो।
अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगने आए तो कभी वोट देना नहीं। राम रहीम कह करके कोई वोट मांगने आवे, ब्राह्मण और शूद्र, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कह करके वोट मांगने आवे तो कभी उसको वोट नहीं देना। पूरी जनता की सेवा करे। भारत माता में जन्मे लोग सब भारत माता के पुत्र हैं, चाहे हिंदू नाम हो, चाहे मुसलमान नाम हो, चाहे ईसाई नाम हो, चाहे कुछ नाम हो, सबके प्रति प्रेम करके देश सुखी हो सकता है। इसमें पराया कौन है? सब समय सभी लोग रहे हैं, प्रेम के बर्ताव की जरूरत है, यहाँ पराया कोई नहीं। घर में 10 लोग हैं, 4 लोगों से प्रेम करो, 6 लोगों से बैर, 8 लोगों से प्रेम करो, 2 लोगों से बैर, तो भी घर टूट जाएगा। सबसे प्रेम करो। हमारा देश एक घर है और इसमें बसने वाले जितने लोग हैं सब इसके सदस्य हैं और इसमें कोई पराया नहीं। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, ऐ पृथ्वी माता तुम जनों को अपने में रखती, विभेद का मंत्र है, तुम जनों को अपने में रखती हो। कौन जनों को? बहुधा विवाचसम, जो बहुत भाषा बोलने वाले हैं, और नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले हैं। वेद के ऋषि कहते हैं ऐ पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वाले मनुष्यों को तुम अपने में रखती हो। सहस्रम धारा द्रोण मेधुहाम ध्रुव धेनुर्नपस्फुरंती, हजारों धाराओं से तुम मुझे मेरे लिए धन दो हो, जैसे गाय अपने चारों पैरों को जमा के दूध अपना दे दे, ऐसे पृथ्वी माता तुम हमें धन दो। ये बहुत बढ़िया सूत्र है, मंत्र है। तो पहले जमाने में ऋषि हमारे क्या कहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले और बहुत संप्रदायों में रहने वाले लोगों को पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। राम रहीम को बुरा लगेगा तो आपस में वो समाधान कर लेंगे, हम लोग कौन होते हैं? राम रहीम को रहने की जगह नहीं, हम लोग घर बना रहे हैं, उनका सारा संसार है। तो नेता लोग देश को नरक करना चाहते हैं, इनको गद्दी मिल जाए और 10,000 लोग मार डाले जाएं और 10-20 अरब रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। पूरे राक्षस ऐसे ऐसे राजनेता आज भी हमारे देश में, आप लोग इसके लिए सावधान हो। मैं कोई राजनीतिक प्रचारक नहीं हूँ, मैं केवल अध्यात्म का प्रचारक हूँ। बात आ गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन राजनेताओं से सावधान रहो। जाति वर्ग संप्रदाय धर्म का नाम लेके वोट मांगने आओ, इनको कभी न देना, इनको खदेड़ना दरवाजे से। पूरे भारत की सेवा करें, पूरी जनता की सेवा करें, ऐसी भावना लेकर के जो आवे उसको वोट दीजिएगा। मेरा विषय है, दुख से भरा है संसार, हम लोग बैठे हैं, ऐसे बैठ नहीं पाएंगे। कभी दिन आ सकता जब उठ बैठ न पाए, चल न पाए, ऐसा भी समय आ सकता करवट न बदल पाए, बोल न पाए। धीरे धीरे गलता है शरीर सबका, या तो अचानक छूट जाएगा या तो गल के रोगी हो के छूटेगा। यही तो इसका है, यही गति है। छोटे बड़े, राजा गरीब, महात्मा साधारण, सबका शरीर गलता है। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। ये दुख भरे संसार में सुख का रास्ता क्या है? क्या दुखे दुख है? सुख नहीं है, दुख है। लेकिन दुख में से सुख निकाल लो। भूसी में से चावल आप निकाल लेते हो, मिट्टी में से तेल पेट्रोल निकाल लेते हो, पानी निकाल लेते हो,
हर जगह, तो कूड़े कचड़े में से हीरे मोती सोना सब निकाल लिया जाता है। दुख में से सुख निकालो, जब राम को जानोगे तब बचोगे। राम सुख स्वरूप है और संसार दुख स्वरूप है। आप पूछेंगे राम कैसा राम है, कहाँ है, पता चलना चाहिए। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा है, जो हमारा पूर्वज है, श्रद्धेय है, आदरणीय है, पूजनीय है। और एक राम है जो घट घट में लेटा, सब के अंदर में, इतने लोग यहाँ बैठे सब घट में है, मक्खियाँ जो उड़ रही इनमें भी है। साहब ने तो यहाँ तक कहा, कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी की पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, घट घट में जो आत्मा बैठा वो राम है, लेकिन उसमें भेद है। एक राम है जगत पसारा, एक राम जगत पसारा में भूल गया, वो अपने को समझ नहीं पा रहा है। अपने रामत्व को न समझ करके जगत पसारा में भूल गया, ये धन दौलत बाल बच्चे शिष्य शाखा मठ मंदिर, गृहस्थ भूले साधु भूले दोनों भूले, गृहस्थ भूले घर में, साधु भूले मठ में, गृहस्थ भूले बाल बच्चों में, हम लोग भूले चिला चाटी में, गृहस्थ भूले अपनी माया में और हम लोग भूले मन बड़ाई में। कहते हैं कि राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझे, अभी ढोल तबला लगा दो यहाँ बाजा, हम मस्त हो जाएंगे लोग। राग रंग में दुनिया रीझे और चटक मटक में नारी, ये लोग चटक मटक में पड़े हैं, तमाम नाक कान छदा डालेंगे थोड़ा सोना चांदी के लिए। और आज भी ये जेली का साज नहीं छोड़ती हैं, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक, ये जेलियों का साज है, जो ये लोग गहना माने बैठी हैं। और ये चटक मटक में बोली हैं और भाव भगत में साधु रीझ हैं। भाव भक्ति कोई किया तो साधु रीझ गए। एक महात्मा स्टेशन पर उतरे, एक नवयुवक आ गया, महाराज नमस्ते नमस्ते, महाराज आपके दर्शन हुए थे 3 वर्ष पहले, वहाँ अमुक जगह हुआ था, आपको ख्याल नहीं महाराज जी, आपका दर्शन हुआ था और आप तो मेरे गुरुदेव हैं। बैठाया गुरु जी को, महाराज जी लगता है आप कुछ खाए पिए नहीं हैं। कहे हाँ अभी तो आ रहा हूँ। तो अच्छा महाराज दूध थोड़ा ले आऊँ। गया दूध लेने के लिए, आया 2 मिनट में, कहा महाराज वो कहता है कि पात्र नहीं है। तो महाराज पात्र नहीं है, अच्छा लाओ लाओ लोटा ले, महाराज लोटा आपका ले आऊँ, दूध ले आऊँ। लोटा लेके गया, फिर लौट के नहीं आया। भाव भगत में साधु रीझ गए कि चेला मिल गया, अभी दूध पिलाएगा और लोटा गंवा दिए। तो आप लोग बाल बच्चों में भटके हैं, हम लोग चेला चाटी में, आप लोग धन दौलत में, हम लोग मान बढ़ाई में, आप लोग घर में, हम लोग मठ में, तो दोनों डूबे, दोनों सावधान, दोनों मनुष्य हैं। जो ढील होंगे वो बिगड़ जाएंगे, वो भेष धरने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये हमारा वेश क्या करेगा? अगर हमारे में वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, तो वेश कुछ करेगा नहीं। जग जाने की जरूरत है। पसारा में भूल गया एक राम, और एक राम है जग से न्यारा। एक राम जग से न्यारा हो गया। कुल मिलाकर के अर्थ है कि राम से आप समझते हैं श्री राम, क्योंकि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण बना, उसका प्रचार हुआ, फिर गोस्वामी जी ने बनाया, इससे हिंदी क्षेत्र में प्रचार हुआ। तो एक राम वो हैं, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन जो शाश्वत राम है, सब समय है, राम के पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में, वो राम है अंतरात्मा, वो सार्वभौमिक राम है। लेकिन उसमें फर्क यह है कि जो अपने राम के, अपने रामत्व को समझे,
रामत्व को न समझा तो क्या होगा? ब्रह्म रूप सब जीव हैं लेकिन अपने ब्रह्मत्व को नहीं समझते हैं, गुरु रूप सब जीव हैं अपने गुरुत्व को नहीं समझते हैं, तो क्या होगा? तंबाकू खाते हैं, सब राम रूप है लेकिन तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये देवियां भी अब गुड़ाखुर घसना शुरू कर दी हैं। जो ये माताएं हैं बच्चों को गोद में रखती हैं, अब ये गुड़ाखू करेंगी जब तो बच्चे सीखेंगे कि नहीं? कितनी माताएं तो अपने बच्चों को गुड़ाखू भी घिस देती हैं। आप ब्रह्म स्वरूप हैं, गुरु स्वरूप हैं, राम स्वरूप हैं, सबके अंदर में वही तत्व है, उसका उद्घाटन करना है और समझना है, अपने चित्र को ऊपर उठाना है। अगर हमारा मन दुनिया में है तो दुख पाएंगे, हमारा मन दुनिया से ऊपर उठ करके राम में रमना चाहिए, अंतरात्मा में रमना चाहिए। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरय दो काम। शरीर से काम करो और मन को राम में रखो। जरूरी है, खाना पीना है, बाल बच्चों को पोषना है, साथियों की सेवा करनी है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। सबको अपनी अपनी श्रेणी में मेहनत करना चाहिए। कुछ लोग कहते साधु तो कुछ नहीं करते हैं, साधु कुछ नहीं करते, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम तो सर्विस करते होते तो अब तक रिटायरमेंट हुए कितने दिन हो गए होता, अब अभी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, अभी भी काम कर रहे हैं, कैसे नहीं करते हैं? जितना हम करते हैं क्या दिन में दो रोटी खाने भर कर नहीं रहता? तो कुछ लोग मानते साधु अपना साधु काम नहीं करते, साधु जो काम करते हैं वो सबसे बड़ा काम है, सद्बुद्धि का प्रकाश करते हैं। आपके पास धन दौलत विद्या सब कुछ है, सद्बुद्धि नहीं है तो किस काम का, सब खराब हो जाएगा। सद्बुद्धि का दान साधु करते हैं, इसलिए साधु को चाहिए सद्बुद्धि में रहे, उसकी सद्बुद्धि ही उसकी संपत्ति है और उससे जगत को प्रेरित करे। सबको काम करना चाहिए और काम करने में जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर दुख न चाहो तो तुलना न करो, तुलना में पड़ोगे तो दुखी रहोगे। आपके पास साइकिल है और मोटरसाइकिल देख देख करके दुखी हो किसी का, तो ये दुख कौन मिटाएगा? आप अपनी साइकिल को हेलीकॉप्टर समझो, दूसरे की मोटरसाइकिल पर नजर ही न ले जाओ। आपका जो मकान है राजभवन है, दूसरे के मकान पर नजर न ले जाओ। भात नमक मिल जाए तो बहुत है, अगर सब्जी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, दाल मिल जाए तो और अच्छा है, और घी दूध दही मिला करे कोई बात नहीं खाओ, और घट जाए तो फिर दाल भात सब्जी भात पर आ जाओ, और घट जाए तो नमक भात पर आ जाओ। सब स्थिति में संतुष्ट रहो तब दुख घटेगा। जो नहीं है उसका लालच है, जो है उसमें संतोष नहीं है। साइकिल का आनंद लो, मोटरसाइकिल को लेकर के क्यों दुखी हो? साइकिल पर बैठो, सनसना करके चलो, बढ़िया, बस हो गया। मोटरसाइकिल चलाने की क्या जरूरत? मोटरसाइकिल से दुर्घटना ज्यादा होती है, क्यों मोटरसाइकिल से मन ललचाते हो? प्राप्त वस्तुओं में जो संतुष्ट रहता है उसका दुख दूर होता है, उसे शांति मिलती है। लेकिन आदमी की तृष्णा ये भरती नहीं है, जितना पाओ कम, जितना पाओ कम, ये विवेक से मिटेगी वैसे नहीं मिटेगी। अपनी कामनाओं को वश में करो, तृष्णा को वश में करो, मनुष्यों में प्रेम से रहो। घर में दुख है क्यों? एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं, देवरान को जठान, जठान को देवरान सह नहीं पाती। ननद तो अपने माँ के साथ लग करके पार्टी बंदी करती है, बहू के साथ दुर्व्यवहार, बहू बाहर से आई है भाभी को सताने के चक्कर में रहती है। भाभी कुछ ऐसी हैं जो ननद को रगड़ती हैं,
लेकिन ये सब दुख पैदा करना है। आपस में प्रेम से रहो, घर में शाम को इकट्ठे हो तो एक दूसरे से हंस हंस कर बात करो। कितने घरों में शाम को लोग इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की तरफ ताकते भी नहीं, अगर कोई कुछ पूछा तो दूसरा डपट लेता या नहीं बोलता। भोजन का समय आया तो दूसरे के साथ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहते, पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं। एक भोजन कर रहा है तो एक बाहर बैठा है, एक घूम रहा है, इतनी सहनगति नहीं। ऐसे घर में सुख कैसे होगा? एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करो। शाम को इकट्ठे हो और इकट्ठा बैठ करके हंस बोल लो, जिससे दिल की कुंडी आपस की खुल जाए। कल क्या काम करना है विचार लो, बड़ों को आदर दो, छोटों को स्नेह दो, परस्पर में समता का बर्ताव करो, तब शांति आएगी। बीमारी, रोग, शरीर की जर्जरता, धन की हानि, मान की हानि, अपमान, तिरस्कार, ये सब बीच बीच में सब जगाते रहते हैं, इनको सहो। शाम को श्री राम को बताया गया कि सुबह तुम्हें युवराज बनाया जाएगा, और सुबह बताया गया 14 वर्ष के लिए कठोर वनवास। कितना परिवर्तन! तो इस संसार में किसके सामने अप्रिय घटना नहीं घटती है? धीरज धर करके सहने की शक्ति बनानी चाहिए, और ये शक्ति तभी बनेगी जब सत्संग, सदग्रंथ, साधना, चिंतन, ध्यान में मन लगाओ। सुबह से शाम तक केवल प्रपंच प्रपंच प्रपंच, काम धाम करना तो ठीक है लेकिन कला, कल्पना, राग, द्वेष, प्रपंच में लोग डूबे रहते हैं। कुछ भी ज्ञान का ग्रंथ पढ़ना नहीं, ध्यान नहीं, चिंतन नहीं, मनन नहीं, अपने गुण दोषों पर विचार नहीं, दोषों को घटाने, सद्गुणों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं, तो ऐसी अवस्था में पतन के सिवा और क्या होगा? मानसिक पतन सबका पतन है। मन उन्नत हो, दुनिया के हान लाभ झूठे हैं। ये दुनिया जो दिखाई देती है आपके आत्मा में तीनों काल में नहीं है। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत में जगत तीनों काल में है, आत्मा में जगत नहीं है। शरीर छूट जाएगा, जगत खो जाएगा हमारे लिए। गाढ़ी नींद में आप जाते हैं, जगत का ख्याल कहाँ रहता है? जगत खो जाता है, अपना शरीर माना हुआ खो जाता है। जब नींद खुलती है तब देखते हैं। एक दिन शरीर छूट जाएगा, हमारे लिए संसार खो जाएगा। देह रहते रहते इस बात को सोचो, जिन बातों को लेके लड़ रहे हो 4 दिन के बाद उसकी कोई कीमत रहेगी? तनिक बात को लेकर के लड़ गए, 4 दिन के बाद पश्चाताप हो रहा है। क्यों भावुक बनते हो? बड़ी बात भी कुछ नहीं। कौरव पांडव में बड़ी बात थी राज को लेकर, मूर्खता के सिवा क्या थी? दोनों भाई भाई थे, समाधान करना चाहिए, मूर्खता के सिवा कुछ नहीं थी। और कट के मरे, देश को बर्बाद किए, बड़े बड़े शूरवीर दोनों पक्षों के मरे, केवल मूर्खता। तो चाहे छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, उसके मूल में है मूर्खता। कला, वैमनस्य, प्रेम से रहने की जरूरत है। दुख भरे संसार में दुख को घटाओ, सुख को बढ़ाओ। दुख घटेगा अपने आप सुख है, सुख है सुलझा हुआ मन। लड्डू में सुख नहीं है, एक लड्डू आपको दिया जाए तो मन प्रसन्न होगा, सुख है। 2 लड्डू खाने के दिया जाए तो उतना आनंद नहीं आएगा। 3 खाने कहा जाए तो आप कहेंगे नहीं भाई अब नहीं खाऊंगा, और कोई कहे नहीं 10 लड्डू खाना है तो आप गुस्सा हो जाओगे। अगर लड्डू खाने में आनंद है तो 10 लड्डू खाने में 10 गुना आनंद मिलना चाहिए, लेकिन नहीं आनंद है। आप अपने मित्र से मिले, एकदम सीने से लगा लिए और आनंद आया।
अब ऐसे सीने से लगा करके 4 घंटा खड़े रहोगे, 1 मिनट भी खड़े रहो तो लोग समझेंगे पागल हैं क्या। जब लोग मिलते हैं इस ढंग से तो सेकंडों में अलग हो जाते हैं, गले लग गए, प्रेम हो गया, अलग बैठ गए। किसी बात में एक मर्यादा होती है। दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं है, भ्रम है। सबसे बड़ा सुख काम भोग को माना है, जो सबसे बड़ा दुख है क्षीणता, मलिनता, पश्चाताप, ग्लान, शरीर और मन की शक्ति का नाश। कोई फायदा नहीं, गर्भाधान के लिए ठीक है। इसीलिए जानवर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। कुछ जानवर लंपट होते हैं, बाकी अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, बाकी नहीं। प्राकृतिक संयम उनमें होता है, आदति नहीं होते हैं। लेकिन आदमी की दशा दयनीय है। जो सबसे बड़ा सुख माना है उसमें क्षीणता मलिनता के अतिरिक्त और क्या है। आप निश्चिंत बैठे हैं, मन प्रसन्न है, काम वासना की याद आई, खलबला गए, तो पहले सुख था कि अब सुख है? निश्चिंत थे, आनंदित थे, कोई दुख नहीं था। काम वासना मन में उदय हो गई तो दुखी हो गए, उलझ गए, उद्विग्न हो गए। अब दूसरा चाहिए, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, और मान लो वो मिल गया तब क्या हुआ? फिर मलिनता, वही बेवकूफ़ी अपने समझ में आई। बेवकूफ़ी ऐसी चीज को एक बार दो बार कितनी बार समझना चाहते हो? समझो, जागो। एक बार ठगावे बावन वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बारंबार अपने को ठगाओ गप्पू नाथ है, कब तक गप्पू नाथ बने रहोगे? संयमी बनो। सुख भोगों में नहीं है, दुख है, वो दुख पैदा करता है। जहाँ जहाँ अपने मन इंद्रियों को चंचल करते हो, नशा, नाच, रंग, काम भोग, या कहीं भी स्वाद, रूप, गंध, जहाँ भी मन को ललचाते हो, उसके परिणाम में केवल दुख होता है। सुख है पांचों विषयों से ऊपर उठ जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को वश में कर लेना। जब जिस समय कोई इच्छा और चाहना नहीं होती है उस समय कितना आनंद है, और जिस समय चाहना उठती है उस समय आदमी खलबला उठता है, असमर्थ हो जाता है। यही दीनता है, यही दरिद्रता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसा। जिसका मन निश्चिंत है, इंद्रियां विवश नहीं करती हैं, जिसका मन सुबस है, जिसके मन में कुचिंतन नहीं है, खिंचाव नहीं, आकर्षण नहीं है, वो आनंद में है। चलते चलते आपने किसी मकान को देखा, बड़ा बढ़िया मकान है, ऐसे मकान मेरे होता, अब आप दरिद्र हो गए बिलावजह। जैसे इच्छा की वैसे दरिद्र हुए, लेकिन उस मकान मालिक को पूछो तो और बड़े मकान को देख करके वो ललचा रहा। जिसके पास कार है और बढ़िया कार देख के ललचा रहा, बढ़िया कार है तो विदेशी कार देख के ललचा रहा। ये लालच कभी बंद नहीं होगा जब तक विवेक न होगा। तो निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हो विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। आगे आगे मन दौड़ता रहे, ये तृष्णा की लीला है। एक नदी के किनारे एक केवट रहता था, नौका चलाता था, गुजर बसर करता था। वर्षा में बाढ़ पूर आवे तो उसकी मड़िया बह जाए। हर साल बेचारा वर्षा के बाद दीवार उठावे, मड़िया बनावे। वरुण देवता नदी के किनारे घूम रहे थे। केवट से उन्होंने कहा, तूने मेरी सेवा जीवन भर की है, आशीर्वाद जो मांगना है मांग ले, कोई वर मांग ले। कहे, महाराज हमारी मड़िया बह जाती हर साल, ये जरा ऐसी बन जाए कि बहे ना, इतने हम चाहते। कहा, जा बन जाएगी। मड़िया पर गया तो देखा पक्का पोखता मड़िया, बहुत खुश हुआ।
उसकी पत्नी गई थी कंडा बीनने खार में, वहां से आई, उसने कहा हमारी मड़िया कहाँ गई? कहे वरुण देवता ने वर दिया है, ये पक्का हो गया। कहे तुम बड़े बेवकूफ हो, मांगना था तो क्यों नहीं मांगा कि किला बन जाए, ये मड़िया में खाली जाओ कहो किला बन जाए। तो वरुण से गया कहा महाराज मेरी पत्नी कहती है कि किला बन जाए। कहे जा भाई किला बन जाए। अब किला बन गया, 1 किलोमीटर में लंबा चौड़ा किला, चारों तरफ खाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। उसकी पत्नी ने कहा बताओ किला किसके होता है? कहे राजा के। कहे राज मांगा कि नहीं? कहे राज तो नहीं मांगा। तो एक एक बात तेरे क्या समझाऊँ, जाओ राज मांगो। गया बड़ो देवता ने कहा जा भाई तेरे को पूरा छत्तीसगढ़ देता हूँ। उसने कहा ये बतलाओ पूरा छत्तीसगढ़ से क्या काम चलेगा, पूरा भारत मांगो। तो भारत मांगा तो भारत दे दिया। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन ठीक नहीं है, देखो पाकिस्तान कभी आँख दिखाता है, कभी चीन, तो जा करके कहो पूरा भूमंडल मेरे राज्य में हो। तो वरुण देवता से कहा, वरुण ने कहा जा भाई पूरा भूमंडल मैं देता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन बात तो भाई जमी नहीं, हम जो जब चाहें वह हो जाए मांगो, जिस स्त्री को चाहे पुरुष कर दे, पुरुष को स्त्री कर दे, सूरज को चाहे कमल का फूल बना दे, कमल का फूल सूरज बना दे, हम जो चाहें सो करें, ऐसा जाके मांगो। तो जाके कहा, वरुण ने कहा अब तुम कायदेक बाहर जा रहे हो, चलो वही झोपड़ी में रहो। सब ले लिया फिर वही झोपड़ी हो गई। ये बात को समझाने का तरीका, ऐसा कहने से होता होता नहीं। वेद में वरुण एक देवता है जो नैतिकता का देवता है, और आगे चल करके पौराणिक काल में वो पानी का देवता बन गया है। तो वरुण को लेकर के कहानी गढ़ी गई, किसी का देने से ऐसा हो नहीं जाता है। कहानियां बातों को समझाने के लिए होती, अर्थ यह है झोपड़ी में आंख मुदे वो केवट पड़ा था, तो कल्पना की पक्का मकान बन गया, किला बन गया, राज हो गया। जो चेतना का दीपक सब में जलता है वही परमात्मा है। न तो परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है, न निर्वाण पाना है, वो तो पहले से ऑलरेडी है। मन को विकारों से हटाना है, अपना मन जो ललचा रहा है चारों तरफ, इसी से दरिद्रता है। ललचाना छोड़ दो बस सुखी। शरीर में रोग लग जाए दवाई करो, संयम करो, शरीर सड़ने वाली है, मिटने वाली है, मिट जाए क्या चिंता। आत्मा अमर है, आप अमर हैं, शरीर के गलने से आप गलते नहीं हैं, शरीर के बूढ़ा होने से आप बूढ़ा नहीं होते हैं, शरीर के जीर्ण होने से आप जीर्ण नहीं होते हैं, आप तो अजर अमर अखंड शुद्ध चैतन्य है। ये बोधभाव रखो, सदैव अपने मन को ऊपर रखो भौतिक धरातल से। जो कुछ आज हमारा ऐश्वर्य है सब मिट्टी का लौंदा है, चारों तरफ मिट्टी का पसारा है। यहीं पर नजर डालो, ये सब बैठे हैं सब मिट्टी के पिंड हैं, मेरा शरीर आपका शरीर सब मिट्टी के पिंड है। शामियाना मिट्टी है, ये खंभे मिट्टी है, दरिया मिट्टी है, चौकी मिट्टी है, लाउड स्पीकर मिट्टी है, मकानात मिट्टी है, पैरा मिट्टी, सब मिट्टी है, और ये सब थोड़े दिन में मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन आत्मा दिव्य है, निर्मल है। इस सारे संसार को छोड़ करके आगे निकल जाओ, ध्यान में बैठो, कल्पना करो कि मेरा अपना माना हुआ सब खो गया, मेरे शरीर छोटे 100 वर्ष हो गए, 200 वर्ष हो गए, 200 वर्ष पुराना व्यक्ति आवे कोई पूछेगा उसको? एक चिरंजीव नाम का व्यक्ति मकान बढ़िया बनवाया और उम्र उसकी काफी हो गई थी, तो तीर्थ यात्रा में निकल गया। पहले जमाने में तीर्थ लोग जाते थे तो कहीं साल भर में लौट के आते थे, 6 महीने में आते थे, क्योंकि कुछ गाड़ी घोड़क संयोग नहीं था, पैदल जाना होता था। जब वो लौट करके आया 6 महीने में, तो दरवाजे पर देखा मकान बहुत पुराना लगता है, और बहुत बाल बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सब अनेक, सब अपरिचित,
तो गया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था और कहा कि भाई तुम कौन हो? मैं आ गया हूँ, घर का मालिक मैं हूँ। उसने कहा तुम कैसे घर के मालिक हो? बहुत गलत है, मैं घर का मालिक हूँ। कहे तुम्हारा क्या नाम है? तो बताए। कहे तुम्हारे पिता का? फिर कहा फिर पिता का? कहे हमारे पितामह चिरंजीव थे, उन्होंने मकान बनवाया था। उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। कहे तुम बिल्कुल गलत हो, तुम कैसे हो? बड़ा झड़पी झड़पी हुई। तो उसने सोचा हमारी इतनी पीढ़ियां बीत गई थोड़े दिन में, अगर कोई 200 बरस के बाद अपने घर में आवे रहने के लिए कोई रहने देगा? बूढ़ों को बेचारे रहने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी हैं कि बूढ़ों की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं बूढ़े तो सोचते हैं मैं मर जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, और बच्चे सोचते हैं कम मरे कम मैं मालिक बनूं। ऐसा धोखा में आदमी जीता है। तो ये संसार एक धोखा पट्टी की जगह है। अपने मन को सबसे निकालो, निष्काम बनो, ललचाना छोड़ दो। अगर सुखी रहना चाहो तो ललचाना छोड़ दो। मैं जन भाषा में कह रहा हूँ, ललचाना, वासना छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, दार्शनिक भाषा है, गवई भाषा है ललचाना। बात एक है, जिसके मन में लालच नहीं है वो परमात्मा परम सुखी है, कुछ लालच नहीं। शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ हो संयम से रहें, दवाई पानी करें जो शक्ति है। अस्वस्थ होगा अस्वस्थ होगा, मर जाएगा मर जाएगा, मरना इसको है, एक बार मरना, दो बार थोड़े मरना है, चाहे जब मर जाए क्या चिंता है। प्रिवियोग हो गया, वियोग होने हैं, अप्रिय संयोग होना है। महाराज राम के लक्ष्मण कितने प्रिय थे और कैसा भयंकर हुआ, श्री राम को कह देना पड़ा तुम देश निकाला तुम्हारा, कैसा द्रावक है ये संसार, कैसा विचित्र है, सब कुछ बदल जाता है। दुनिया दुखों से भरी है क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, वस्तुएं बदलने वाली हैं, सबके शरीर विकृत रूप होने वाली हैं, मन सबका परिवर्तनशील है। यहाँ पर किस बात को लेकर के हम घमंड करें? जिन अपने अनुगामियों का घमंड हमें है वह अनुगामी हमें ही अंगूठा दिखाने वाले हैं, इसलिए अनुगामियों का घमंड व्यर्थ है, शरीर का घमंड व्यर्थ है। अभी भूल उन्ठित हो जाए, उठ बैठ न पाए तो क्या होगा? इसलिए इन भौतिक धरातलों से अपने आप को ऊपर उठाओ। आत्मा राम में रमो, क्षणिक वस्तुओं के प्रति जो मोह लगा है उसको छोड़ो, सुख दुख में समता धारण करो, अनुकूल प्रतिकूल में सम्बुद्धि अपनाओ, तब दुख घटेगा और सुख शांति मिलेगी। अंततः तृष्णा का त्याग और आत्मसंतोष परम सुख है। तृष्णा त्याग हो गया, जो है प्राप्त बहुत है, अपने जो है बहुत है, पेट भर भोजन मिल जाए, तन ढकने कपड़े और सोने की जगह और मन शीतल हो, इससे बड़ा ऐश्वर्य और कुछ नहीं। और ये सबको मिलता है, सबका पेट भरता है, सब कपड़े पहनते हैं, सबको सोने की जगह मिलती है, बस खाली मन ठीक नहीं, क्योंकि ठीक नहीं करते हैं। मन ठीक करो और मन शीतल करो, संतुष्ट करो, आत्मतृप्त करो, तब दुख दूर होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि सारा संसार दुख से भरा है, रो रहा है मानो सारा संसार, हर समय रोना रोना रोना, चारों तरफ रोना है। वैसे रोते रोते शिकायत करते रहते, सब शिकायत में डूबे हैं, महाराज सुख नहीं मिला जीवन में, सब दुखी है, सुख को समझते ही नहीं है। तृष्णा का त्याग सुख है, मन का संतोष सुख है, सह लेना सुख है, क्षमा करना, गम खाना, संतोष करना सुख है। इस सुख को समझें और सत्संग सेवा भक्ति साधना द्वारा इस बोध को और इस रहनी को बलवान बनावें, जिससे सच्चे अर्थ में इस जीवन में सुखी हो और प्रसन्नता पूर्वक शरीर का त्याग करें, आनंद से जिएं और आनंद से मरें,
वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है, जिस ज्ञान का फल आनंद से जीना होता है और मरना भी आनंद से होता है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।